हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शर्मा रेड्डी की और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यस बैंक की। तो इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें था कि कुछ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिकवरी का कुछ बात थी, लेकिन एक्चुअल में वो न्यूज अधूरी थी। सो हम डिटेल में भी बात करेंगे, एक्चुअल में वो न्यूज पूरी क्या है, और जो टोटल एनपीए का जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसे आने वाला है वो एक्चुअल में कितना है, और फिर हम टारगेट वगैरह डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम न्यूज पे चलते हैं। सी पूरा न्यूज पे आप एक चीज देखिए कि यस बैंक शाम की न्यूज है, केस ईडी फाइल्स प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अगेंस्ट ओमकार डेवलपर्स एक्टर। इसमें देखते हैं क्या है। ईडी आपको मालूम होगा कि ठीक है, एक ओमकार डेवलपर थे जो है, रियल एस्टेट कंपनी थी मुंबई की, वो 410 करोड़ रुपए जो है यस बैंक का पैसा लेके डिफॉल्ट कर गए थे। वो पैसा एनपीए हो गया था और कहीं ना कहीं पैसा फ्रॉड में चला गया था, तो ईडी उसकी जांच कर रही। तो उसके बारे में न्यूज है। ओमकार डेवलपर्स प्रमोटर बाबूलाल वर्मा, कमल किशोर वर्मा, एक्टर सचिन जोशी एंड अदर्स इन 410 करोड़। सचिन जोशी का आपको मालूम है दोस्तों, सचिन जोशी अगर आपको बहुत सारी पिक्चरों में भी आए हुए हैं, और ये इस तरह का जो है कुछ लेन देन का मामला था, क्योंकि इनमें नाम लिख के आ रहा है। तो 410 करोड़ रुपए का टोटल फ्रॉड का मैटर था। सो ईडी सेट ओमकार डेवलपर्स टू ह्यूज लोन्स ऑन द स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट एंड लेटर डाइवर्टेड द लोन। सो ईडी ने बोला है कि वो जो है यस बैंक से जो लोन लिया 410 करोड़ का, कुछ स्लम को रिहैबिलिटेशन पर्पस से, मतलब स्लम एरिया था उसको जो है एक पूरा नए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में उसको डेवलप करना था। बट उन्होंने क्या हुआ, जनवरी 2021 को ये पैसा जो है ये उसके पहले ही इधर उधर जो है मिस डाइवर्ट कर दिया गया, इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं लगा। तो इसके बारे में चार्जशीट फाइल हुई है, और ये दोस्तों इस हिसाब से तेजी से आप, मेरा बताने का यही पर्पज था कि जितने भी यस बैंक के डिफॉल्टर्स हैं सब पे ईडी और सीबीआई जोर लगा के बैठी हुई है, और वो पैसा कहीं ना कहीं जो है आने वाला है। अब आपको मालूम हुआ कि यस बैंक डिफॉल्ट तो किया था, लेकिन यस बैंक को गवर्नमेंट बचा रही है। एसबीआई, एसबीआई जानते ही है गवर्नमेंट की बैंक है, और प्लस गवर्नमेंट के तंत्र ईडी और सीबीआई। तो एसबीआई ने बचाया 6,500 करोड़ रुपए देख के जो है इक्विटी इन्वेस्ट करके जो है एक संभाल रखी है, प्लस और भी ज्वाइंट वेंचर बैंकों के आए हुए हैं, प्लस ईडी सीबीआई अपना एक तंत्र जो है बना के जितने भी ये डिफॉल्टर हैं सब पे शिकंजा कस रही है, और बहुत सारी रिकवरी होने की उम्मीद है। अब दोस्तों, ये तो एक न्यूज थी। दूसरी न्यूज, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्स सांता क्रूज हेडक्वार्टर टू यस बैंक टू रीपे डेप्ट। मतलब आपको मालूम होगा कि लगभग 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले जो है इनका सेंटा क्रूज वाला रिलायंस का जो ऑफिस था उसपे यस बैंक ने जो है एक नोटिस भेजा था कि ये हम कब्जा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है कुछ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन थे लगभग 4,500 करोड़ रुपए के, वो जो है ये डिफॉल्ट कर गए थे, और चूंकि सिक्योर्ड लोन था, तो हम सीधी सी बात है कि सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, हमने पैसा उधार लिया 20 लाख रुपए, हम नहीं चुका पाए तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी जो हम दिए होंगे उस पर जो है कब्जा कर लेगा बैंक। सेम चीज होती है, अभी आप लोन, होम लोन लीजिए, आप पेमेंट ना कीजिए तो कागज जो है जमा रहते हैं बैंक के पास, आप 2-3 डिफॉल्ट कीजिए, तुरंत जो है बैंक आके आपके जो होम पे वो फ्लैट पे कब्जा कर लेगा। सेम चीज यही है कि यस बैंक ने जो है कब्जा कर लिया था। अब जो है क्या हुआ कि 1200 करोड़ रुपए वो जो था, जो बिल्डिंग थी, हेडक्वार्टर था, वो अनिल अंबानी ने बोला, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ने बोला हुआ है कि हम आपके नाम ही कर देते हैं, एक तरह से इसकी वैल्यू 1200 करोड़ है, आप आपके नाम कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये मान के चलिएगा हम पेमेंट नहीं करेंगे, मान के चलिएगा कि आप वही जो है हमारा जो एनपी 4,000 करोड़ में 1200 करोड़ रुपए का, उसको राइट ऑफ कर दीजिए, समझ लीजिए हमने वो जो है 1200 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिया है। सो कहीं ना कहीं ये एक न्यूज थी कि यस बैंक के पास पैसा आया 1200 करोड़। यस बैंक की क्या है कि वो जो लोन डिफॉल्ट हुए थे कहीं ना कहीं एनपीए में राइट ऑफ हो जाएंगे। अभी 15% का एनपीए था, इसमें कुछ परसेंट होगा तो 15% में कुछ परसेंट कम हो जाएगा। प्लस यस बैंक को भी एक हेडक्वार्टर चाहिए था, हेड ऑफिस का भी सेनापति मार्ग में मुंबई में एक हेड ऑफिस है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली था, वो सरेंडर कर देगा, छोड़ देगा, और ये वाला हेड ऑफिस जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सी टू अदर स्मॉलर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द कंपनी एंड फेल टू रिपे ड्यूज ऑफ 2,892 करोड़। सो 2,892 करोड़ रुपए जो है
का मतलब 4,000 करोड़ रुपए का टोटल एनपीए था, और जिसमें जो है कुछ पैसे इन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिए थे, और जो है तो 2,892 करोड़ रुपए बाकी था। तो 1,200 करोड़ रुपए का कब्जा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटायर प्रोसीड सेल ऑफ रिलायंस सेंटाक्रूज यूटिलिटी वनली टू रिपे द डेप्ट ऑफ यस बैंक। यस बैंक रिलायंस इंफ्रा ने बोला हुआ है कि ये टोटल और टोटल जो है यस बैंक का डेप्ट पे करने में जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव, यस बैंक प्लान्स टू यूज द बिल्डिंग एट द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एंड विल बी मूविंग सून। मैं दोस्तों आप ध्यान दीजिए, वही चीज बता रहा था, इनका जो यस बैंक का हेडक्वार्टर है सेनापति मार्ग में, वो बहुत ही कॉस्टली है, वो सरेंडर कर देंगे, क्योंकि वो अगर दूसरे की बिल्डिंग है अपना, ठीक है, तो उसे कुछ ना कुछ मंथली रेंट दे रहे होंगे, तो बहुत महंगा होगा, तो वो जो है सरेंडर कर देंगे और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है डबल फायदा होने वाला है। अब देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज कंप्लीटेड द सेल ऑफ इंटायर होल्डिंग इन पावर ऑफ ट्रांसमिशन। ये 900 करोड़ रुपए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे जो है उनके छोटे छोटे बिजनेस थे, वो बेच बेच के अपना जो भी डेट था उतार उतार रहा है। तो 900 करोड़ रुपए और भी कहीं से बेचा हुआ है, और 900 करोड़ रुपए फिर जो है यस बैंक को आने वाले हैं। तो टोटल पैसा जो है कितना फंसा हुआ है यस बैंक का, 2,892 करोड़। रिलायंस इंफ्रा को 1,200 करोड़ रुपए आ गए, 900 करोड़ और आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2,100 करोड़। तो जो एनपीए की रिकवरी हुई है, मान के चलिए 2,100 करोड़ रुपए की हुई है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। सेम चीज है, वही चीज। अब थोड़ा सा एनएससी के साइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। 15 रुपए 75 पैसे पे ये क्लोज हुआ था, और ये अब था लगभग 1% आज। प्रीवियस क्लोज था 15 रुपए 60 पैसे का, ओपन हुआ 15 रुपए 65 पैसे पे, हाई बनाया 15 रुपए 85 का, लो बनाया 15 रुपए 35 पैसे का। बाइंग क्वांटिटी आप देख लीजिए, 1,570 पे 72,000 की बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है। डिलीवरी की पोजीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वांटिटी ट्रेडेड 9,31,00,000, इतने वॉल्यूम जबरदस्त रहता है। डिलीवरी क्वांटिटी 2,79,00,000, 30% डिलीवरी है। डिलीवरी की आज जो है थोड़ा सा कम है। हिस्टोरिकल डेटा चलते हैं, 2 वीक का नहीं 1 मंथ का लगाते हैं। देखिए आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा, 9,31,00,000। कल की डेट में जो है 31 मार्च को 20 करोड़ जो है 83 लाख का एक वॉल्यूम था। परसों के डेट में जब 20% का अपर सर्किट मार रहा था, तो जो है जिसमें 16 करोड़ की डिलीवरी उठी थी, और जिसमें 33,63,00,000 का वॉल्यूम था, तो उसके पहले इतना ज्यादा वॉल्यूम 33 करोड़ इससे ज्यादा नहीं था। बहुत ज्यादा डिलीवरी उस दिन उठी थी, तो परसों 20% का अपर सर्किट मार रहा था, तब जो है डिलीवरी वॉल्यूम 33 करोड़ का था। तो कल भी थोड़ा वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन आज जो है इतना वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा सा ये सेल सेटल हो रहा है। 1-2 दिनों में दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया हूँ कि इनका एक बीएससी को फाइलिंग आने वाली है, जिसमें इनका लोन ग्रोथ वगैरह कितना परसेंट रहा, डिपॉजिट कितना रहा, वो सब आने वाला है नोटिफिकेशन, तो उस पर जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अभी मेरा यही कहना है कि बहुत सारा एनपीए की रिकवरी हो रही है। इसमें मैनेजमेंट जिस हिसाब से बोला था कि 5,000 करोड़ रुपए का रिकवरी कर लेगा 31 मार्च तक, हमें लग रहा है वो सही होने वाला है, जो क्वार्टर रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्वार्टर रिजल्ट में एक तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।